प्रदेश में 16 जनवरी से कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होने वाला और इसको लेकर पहले चरण में लगभग 3 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि अब कोरोना वैक्सीन की पहली खेप जिस बीच दिल्ली पहुंच गई है, तो पहले चरण में लगभग 3 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसी को देखते हुए देश के अलग अलग शहरों में कोरोना वैक्सीन की डोज भी अब भेजी जा रही है। इसी बीच दिल्ली में पहली खेप पहुंच चुकी है। आपको ये बता दें कि इसको लेकर जानकारियां लगातार बीते दिनों से जारी हो रही थी। सोमवार से ही कोरोना वैक्सीन की डिलीवरी का काम शुरू हो गया था और अब अपने पड़ाव तक ये पहुंचती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में पहली खेप पहुंच चुकी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ट्रक और विमान के जरिए विशेष फ्रीजर में कोविशील्ड वैक्सीन की डोज को रखा गया है, जिसको दिल्ली पहुंचा दिया गया है। आपको बता दें आने वाले कुछ दिनों में 5 और कंटेनर ट्रकों के जरिए गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा में कोविशील्ड वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 16 जनवरी से कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी और बहुत बड़ी खबर ये पूरे देश के लिए है, क्योंकि अब अलग अलग हिस्सों तक इस वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें विभिन्न फ्रीजरों में और स्पेशल फ्रीजर जो तैयार किए गए हैं वैक्सीन को लेकर, उनके अंदर इनकी सप्लाई अब लगातार तेज है। दिल्ली में पहली खेप पहुंच चुकी है। बड़ी अपडेट और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप अब दिल्ली पहुंच चुकी है। 16 जनवरी से कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होगा। इस बीच कल की बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी, जब प्रधानमंत्री ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से बात की थी। एक ब्लूप्रिंट उनके सामने रखा था, आप लोगों को किस तरीके से काम करना है, राज्यों में किस तरीके से तैयारियां होनी चाहिए, कितनी डोज किस राज्य को कितनी मिलेगी, इसके बारे में भी लगभग आइडिया सभी राज्यों को दे दिया गया था। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली पहुंच चुकी है। देश की राजधानी में टीकाकरण अभियान को देखते हुए अब पहली खेप वैक्सीन की पहुंच चुकी है। अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और देश के लिए राहत की खबर। जब हम आत्मनिर्भर भारत का जिक्र करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन दोनों वैक्सीन का जिक्र किया कि आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा प्रमाण है ये दोनों वैक्सीन। और सबसे बड़ी बात ये कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी भारत की सराहना की, क्योंकि भारत अब उन देशों में शुमार हो चुका है जिसने खुद स्वदेश में, अपने देश में ही वैक्सीन को निर्मित किया है। और न सिर्फ अपने देश के लिए लेकिन बाकी देशों के लिए भी बहुत जल्द वैक्सीन को डिलीवर करने का काम भारत करने वाला है। इसी कड़ी में ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में पहली खेप जो पहुंच चुकी है उसकी ये पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले नेटवर्क 10 एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है। ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हवाई जहाज के जरिए से, विमान के जरिए से स्पेशल फ्रीजर में इन वैक्सीन्स को रिस्टोर करके रखा गया है। सबसे बड़ी बात यह कि बीते 10-15 दिनों से, जब से इस बारे में जानकारी दी गई है, तब से तैयारियां लगभग पूरी मानी गई। और इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश सोनी इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़े, उनसे बात करेंगे। राकेश, दिल्ली के लिए अच्छी खबर है, पहली खेप पहुंच चुकी है, विमान के जरिए से, कंटेनर्स के जरिए से, ट्रक्स के जरिए से ये सप्लाई अब हो चुकी है। सबसे बड़ी बात, इंतजार इस बात को लेकर है कि अब ये अभियान कब शुरू होगा, किस तरीके से टीका लगाया जाएगा। हालांकि ड्राई रन हो चुका है लेकिन अब अंतिम रूप देखने को मिलेगा। बिल्कुल सांसी जी, इस तरीके से, क्योंकि जो पहली खेप है वो पहुंच चुकी, पुणे से जो फ्लाइट थी वो पहुंच चुकी। इस वक्त हम कार्गो पे हैं और आपको मैं पीछे दिखाऊंगा जिस तरीके से, क्योंकि तमाम जो मीडिया है वो यहां पर पहुंची है। और साथ ही साथ अगर जिस तरीके से नेटवर्क 10 पल पल अपने दर्शकों को ये खबर पहुंचा रहा है, क्योंकि जो पहली खेप थी 1 करोड़ के करीब की जो डोज है वो यहां पर पहुंच चुकी, पुणे से ये जो फ्लाइट थी वो दिल्ली पहुंची है। उसके बाद अब कार्गो से ये जो वैक्सीन है ये यहां से निकलेगी और इसको अब पहुंचना होगा करनाल, करनाल के बाद ये अलग अलग और राज्यों के साथ साथ दिल्ली में भी पहुंचेगी, क्योंकि 16 जनवरी से जो वैक्सीन का जो टीकाकरण है वो लगाया जाएगा। तो सांची जिस तरीके से इंतजार था लोगों को, वो इंतजार खत्म हो गया, क्योंकि इससे पहले, क्योंकि 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा कर दी थी कि 16 जनवरी से जो टीकाकरण है वैक्सीन का वो लगाया जाएगा, तो जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है। और इसके बाद, क्योंकि जो पहली खेप है ये पुणे से पहुंची है, उसके बाद और भी खेप है वो पहुंचेगी, क्योंकि 3 करोड़ लोगों को तकरीबन जो है वैक्सीन लगाई जाएगी, क्योंकि
की जो फ्रंट वर्कर है उनको ये सबसे पहले वैक्सीन लगाई जाएगी और लगातार जिस तरीके से, क्योंकि कोरोना के जो मामले थे वो सामने आ रहे थे, बढ़ रहे थे और वैक्सीन ही एक इसका इलाज था, तो जो वैक्सीन है वो पहुंच चुकी। 16 तारीख से ये पहला टीकाकरण जो है वो शुरू होगा और उससे अच्छा, लोगों जानकारी को क्या ये लग पाई है कि कितनी डोजेस अब दिल्ली में पहुंची हैं, दिल्ली को कितनी डोज मिली हैं सरकार की तरफ से या फिर कितने डिलीवर हो गई हैं, इस बारे में कोई जानकारियां? देखिए अभी ये जो पहली खेप है ये सांची पहुंची है, 1 करोड़ की जो ये डोज है वो पहुंची है, लेकिन इसमें से क्योंकि सबसे पहले अब यहां से जो राजीव गांधी और करनाल के लिए जो ये कंटेनर है वो यहां से निकलेगा, क्योंकि जो कोल्ड स्टोर है वो बनाया गया, क्योंकि जो वैक्सीन को रखने का जो टेम्परेचर होता है वो बेहद खास है, -25 डिग्री पे टेम्परेचर पे वैक्सीन रखी गई है। उसके बाद ये अलग अलग जगहों पर, क्योंकि जिस तरीके से जो फ्रंट वॉलंटियर है उनको ये पहले वैक्सीन लगाई जाएगी, 3 करोड़ जो फ्रंट वॉलंटियर है उनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी, तो उसको लेकर ये जो वैक्सीन की खेप है ये पहुंची है दिल्ली के साथ साथ तमाम और अन्य राज्य हैं, क्योंकि अगर चाहे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तराखंड की बात की जाए, चाहे बिहार, महाराष्ट्र, सभी जगह पर भी जितने भी जो फ्रंट वॉलंटियर थे उनकी एक संख्या बनाई गई थी, 3 करोड़ के करीब जो फ्रंट वॉलंटियर है जिन्होंने कोरोना योद्धा की भूमिका निभाई थी उनको सबसे पहले ये वैक्सीन लगाई जाएगी, क्योंकि ड्राई रन था वो हो चुका था, ड्राई रन के बाद ही ये निर्णय लिया गया था कि किस तरीके से जो वैक्सीन है हिंदुस्तान पहुंचेगी, और क्योंकि ये दोनों जो वैक्सीन जो पास की गई थी हिंदुस्तान की है, तो पुणे से ये एसपीआई के द्वारा ये जो वैक्सीन तैयार की गई थी, उसके बाद पहले कंटेनर से एयरपोर्ट पहुंची, एयरपोर्ट के बाद ये यहाँ दिल्ली के एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी, और कार्गो से महज कुछ ही मिनटों में ये जो कार्गो है ये निकलेगा जो कंटेनर है, इसके बाद ये राजीव गांधी के साथ साथ करनाल, क्योंकि दो जगह पर ये जो खेप है ये रखी जाएगी, और उसके बाद जो टीकाकरण है, क्योंकि जो टीकाकरण की जो तिथि मुकर्रर करेगी वो 16 जनवरी है। अच्छा, बताया जा रहा है कि पुणे से जिस सीरम इंस्टीट्यूट का हम जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने इस कोविशील्ड वैक्सीन की सप्लाई की शुरुआत आज से कर दी है, ये लगभग 13 अलग अलग जगहों पर आज अपनी वैक्सीन को भेज रही है। इसके बाद आप भी बता रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज एक जगह वेयरहाउस की तरह उसको बनाया गया है जहां एक तय टेम्परेचर है जहां पर इन वैक्सीन को रखा जाएगा और उसके बाद आगे इनका वितरण होगा और उसके बाद इसकी शुरुआत 16 जनवरी से हो जाएगी। ये प्रक्रिया जो चल रही है इस दौरान कौन कौन इसका हिस्सा बन रहे हैं, क्या राज्य सरकार की भूमिका नजर आ रही है, केंद्र सरकार की क्या भूमिका नजर आ रही है, साथ ही साथ अलग अलग राज्यों की स्वास्थ्य विभाग की टीम किस तरीके से काम कर रही है, इस बारे में भी जानकारियां दीजिए। बिल्कुल, देखिए साक्षी, देखिए इस चीज की अगर सबसे पहली बात की जाए, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से ये निर्णय ले लिया गया था कि 16 जनवरी से जो टीकाकरण है वो लगाया जाएगा लगातार जिस तरीके से, क्योंकि जो ड्राई रन था वो हो चुका था, खुद स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इसकी पूरी तरीके से जानकारी जुटा चुके थे कहां कहां पर जो वैक्सीन है पहुंचाई जाएगी, किस तरीके से खेप होगी वो पहुंचेगी, किनको लगाई जाएगी। तो अगर क्योंकि दिल्ली की बात की जाए तो यहां पर दिल्ली पुलिस है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है, पूरी तरीके से एक जो कॉरिडोर बनाया जाएगा, क्योंकि पायलट किया जाएगा यहां से, क्योंकि अलग राज्य में भी जाती तो ट्रैफिक में ना गाड़ियां फंसे, क्योंकि और भी है, सुबह का वक्त होता है, लोग अपने काम काज पर निकले, तो एक राज्य से दूसरी राज्यों पे पहुंचाना है तो उसके लिए भी एक जो ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ जो दिल्ली पुलिस उसकी एक भूमिका रहेगी, पूरी तरीके से उसको वो पायलट किया जाएगा, उसके बाद ही क्योंकि जो कंटेनर है ये यहां से पहले करनाल और फिर दो जगह राजीव गांधी यहां जाएगा, दोनों जगहों से अलग अलग, क्योंकि फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि आज 12 तारीख है और 16 तारीख से ये टीकाकरण लगना है, तो उसको लेकर ये पूरी तैयारियां कर चुकी गई थी, ड्राई रन हो चुका था, अब ये कहां कहां पे डिस्प्यूज होनी है ये किया जाएगा कि डिस्पैच अलग अलग जगहों पर किया जाएगा जहां पर। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए, तुम्हारे सहयोगी संक्षेप में एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे किस तरीके से आगे अभियान होने वाला है, टीकाकरण अभियान की शुरुआत अब लगभग तय, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, वैक्सीन अब अलग अलग जगहों पर पहुंच चुकी हैं, सिर्फ अभियान शुरू होना बाकी रह गया है जिसकी शुरुआत 16 तारीख से